हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कवरिंग इंडिया। वीडियो के पार्ट वन में मैंने हिमालयन एक्सप्रेसवे को कवर किया था, जो फोर लेन हाईवे बन रहा है चंडीगढ़ टू शिमला, उसके बारे में दिखाया था। हमने सोचा कि जब हम बाय रोड जा ही रहे हैं तो क्यों ना रास्ते में जो अच्छी अच्छी जगह पड़ती है उसको कवर कर लिया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं तारादेवी मंदिर, जो शिमला से 13 किलोमीटर पहले पड़ता है। 250 साल पहले इस मंदिर को सेन डायनेस्टी के राजा भूपेंद्र सेन ने बनवाया था और 2018 में इसका दोबारा से रिनोवेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। इस मंदिर को काट कुनी आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जो हिमाचल का एक परंपरागत आर्किटेक्चर है जो वहाँ पे घर और मंदिर बनाने में यूज होता है। बेसिकली इसमें वुड और स्टोन जो लोकली अवेलेबल होते हैं उसका यूज करके मंदिर को बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसके पिलर्स, छत और वाल सारे वुडन हैं और जो छत पे कुछ स्टोन का भी यूज किया गया है। तो ये मंदिर वाकई में काफ़ी खूबसूरत सा है। अगर आप चाहें यहाँ पे शिमला में तो आप इस मंदिर को ज़रूर अपने विशलिस्ट में रखें। ये मंदिर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से अगर आप व्यू देखोगे तो काफ़ी खूबसूरत सा व्यू जाता है। काफ़ी ग्रीन सी पहाड़ियाँ दिखती हैं। आई थिंक मानसून के बाद अगर आप आओ तो आपको और भी सुंदर लगेगा ये जगह, काफ़ी सुकून सा मिलेगा यहाँ पर आके। इस मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर और स्थित है, उसका नाम है दुधाधारी टेम्पल। उसका भी आर्किटेक्चर कुछ ऐसा ही सिमिलर है और काफ़ी खूबसूरत सा वो भी है। बहुत लोग उसको स्किप कर देते हैं, उनको लगता है शायद ज़रा दूर होगा या कैसा मंदिर होगा, लेकिन आप ज़रूर जाएं वहाँ पे भी, वो भी काफ़ी खूबसूरत सा है। चलिए पहले आपको हम यहाँ से व्यूज दिखाते हैं, जो काफ़ी अच्छा सा व्यूज आता है ग्रीन सा। उस दिन थोड़ा आंधी ओंधी सी आ गई थी तो थोड़ा धुंध हो गया था पहाड़ों पर, लेकिन उसके बाद भी देखिए काफ़ी अच्छा सा ग्रीन सा व्यू आ रहा है। कैमरे में थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है लेकिन रियलिटी में काफ़ी सुंदर सा व्यू था, और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। और चलिए आपको दिखाते हैं दुधाधारी मंदिर कैसा था। ये देखिए आपको सामने दुधाधारी मंदिर दिख रहा है, ये है उसका फोटो। तारादेवी मंदिर घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि शिमला से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। और ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है। आप इसका देखिए मेन गेट कितना अच्छा सा बना हुआ है वुडन स्टाइल में, और ये ब्लू कलर का जो साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। ये गणेश जी का मंदिर है जिसके अंदर गणेश जी की मल्टीपल मुद्राओं में मूर्तियाँ थी, जो थोड़ा यूनिक लगी। वो फर्स्ट टाइम मुझे मालूम चला कि गणेश जी की भी इतनी मुद्राएँ होती हैं। और ये हनुमान जी का मेन मंदिर है। हनुमान मंदिर के जस्ट सामने नीमकोड़ी बाबा का मंदिर बना हुआ है, जिनका मेन मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। अगर आप कभी गए हों तो वो भी मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, जरूर जाइए वहाँ पे भी। और यहाँ से आप देखिए मंदिर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है शिमला पूरे शहर का। और थोड़ा सा शाम हो गई थी तो फिर हम इस मंदिर को घूमने के बाद अपने होटल आ गए। हमने शिमला ब्रिटिश रिजॉर्ट में अपनी एडवांस बुकिंग कर रखी थी, जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और फॉरेस्ट एरिया में है। आपको सुबह दिखाते हैं अपना होटल कैसा था, काफ़ी खूबसूरत सा था। सुबह हो गई दोस्तों और दिन में देखिए होटल कुछ ऐसा दिख रहा है, ये अपने आप में घूमने वाली जगह सी लग रही थी। काफ़ी अच्छी सी पीसफुल लोकेशन था होटल का। ये होटल अन्नाडाले फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में लोकेटेड है और माल रोड से अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो इस होटल को अवॉइड करिए आप बुक करना, और मानसून में तो खासकर अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ की जो रोड की चढ़ाई थी काफ़ी खड़ी थी, जिससे आपकी गाड़ी स्लिप भी हो सकती है। अन्नाडाले का आर्मी म्यूजियम हमारे होटल से जस्ट 500 मीटर पर था, तो हम सबसे पहले वहाँ गए। लेकिन गुड फ्राइडे होने की वजह से आर्मी म्यूजियम और एडवांस स्टडी दोनों बंद थे, तो हमने सोचा कि चलो अब अवॉइड छोड़ते हैं इसको, क्या कर सकते थे। फिर हम चले गए कुफरी, और कुफरी में सबसे पहले कुफरी जू गए, थैंक गॉड ये ओपन था आज। और कुफरी जू काफ़ी अच्छा सा है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। कुफरी जू में घुसते ही एक ये म्यूजियम बना रखा है, जिसमें डेड एनिमलों को स्टफिंग करके लगाया हुआ है। ये थोड़ा यूनिक सा है क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारे एनिमल के नाम जान सकते हैं। ये देखिए हिरन में कितनी अच्छी स्टफिंग करके लगाई हुई है, काफ़ी प्यारा सा लग रहा था ये। और काफ़ी सारे बर्ड्स में यूनिक टाइप की जो बर्ड्स थी हिमालयन की, जिनको कभी देखते नहीं, जिनके बारे में कभी सुनते नहीं, वो भी यहाँ पे देखने को मिला। और ये देखिए कुछ ऐसे यूनिक से एनिमल जो बच्चे हमेशा कार्टून में देखते रहते हैं, वो इन्होंने जब यहाँ पे देखा उसको ना तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए, उनको काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ें। कुफरी जू बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन बच्चों के हिसाब से इनफ बड़ा था, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे से हिरन की प्रजाति देखने को मिलेगी जो प्लेन एरिया में जो जू होते हैं उसमें नहीं होती है। जैसे आप दिल्ली जू में जाओगे तो इस सब टाइप के हिरन जो हिमालयन में पाए जाते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको। हिरन के अलावा वहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है जू का वो है हिमालयन ब्राउन बियर का, और यहाँ पे 2 ब्राउन बियर थे। ये देखिए ये वाला भालू जो है अपने मुँह में मछली लेके आ रहा है, और अभी देखो डांस भी किया था थोड़ा बहुत, ये पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ कैमरे में। और
अच्छा था, मतलब काफ़ी बड़ा सा था ये, वीडियो में पता नहीं क्यों छोटा सा आ रहा है, लेकिन ये वाकई में काफ़ी बड़ा सा था और बच्चे तो मतलब चिल्लाने लगे इसको देख के। उसके बाद ये देखिए दूसरा वाला भी आ गया है। इसके अलावा बालों के अलावा वहाँ पे लेपर्ड भी थे, और लेपर्ड तो काफ़ी अच्छे से पिंजड़े में बंद हो रखे थे, सही से वीडियो नहीं आई। ये देखिए दूसरा लेपर्ड, और बर्ड्स का भी एक सेक्शन था जिसमें बहुत सारे यूनिक कलर के बर्ड्स थे, उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया मैं ज़्यादा, लेकिन हाँ बर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे थे। ये देखिए एक मंकी भी खुले आम घूम रहा है जू में, अच्छा वह किसी को काटा वाटा नहीं। देखने के बाद हम लोगों ने कुछ अपनी फोटोग्राफी भी की वहाँ पे, अच्छे अच्छे प्लेस थे फोटोग्राफी करने के लिए, जू के अंदर पॉइंट्स बने हुए थे आप देख सकते हो ये एरिया। उसके बाद बाहर आ गए, वहाँ पे एक चीनी बंगला था जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स थे, किड्स प्ले एरिया था और बार था जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट कर सकते ले सकते हो। उसके बाद वहाँ पे जस्ट बाहर एक शॉपिंग एरिया भी था जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। ये सब घूमने के बाद हम फिर वापस आ गए शिमला, और शिमला में फिर चले गए हम झाकू मंदिर। झाकू मंदिर तो आपको पता ही है काफ़ी वेल नोन मंदिर है, और झाकू मंदिर कभी आप जाएँ तो बंदरों से बच कर रहें, क्योंकि बंदर आपके हाथ से सामान छीन ले जाते हैं, खासकर चश्मा है मोबाइल। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है झाकू मंदिर का, वो हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। यहाँ पर आप केबल कार से भी जा सकते हो, बाई रोड भी जा सकते हो। मंदिर घूमने के बाद हम लोग माल रोड आ गए, और माल रोड घूम के द रिज पे आ गए, और अपना शाम तक यहीं पर रुके। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हो रेड वाली, ये लाइब्रेरी है शिमला लाइब्रेरी, और इसके बगल में अभी आपका आएगा जो मोस्ट आइकनिक प्लेस है शिमला का, द चर्च, द क्रिस्ट चर्च। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी पुरानी सी बिल्डिंग है भी है और काफ़ी अच्छी लगती है। द रिज से आपको सनसेट भी काफ़ी अच्छा दिखता है, और रात में शिमला की बिल्डिंग्स तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत लगती है। सुबह हो गई है और रूम के बालकनी से निकल के जो ये फॉरेस्ट व्यू आ रहा है, ये काफ़ी प्यारा सा लग रहा था। आज शिमला में लास्ट डेट था तो हमने सोचा क्यों ना चले अपने होटल के सराउंडिंग थोड़ा घूम के आते हैं, क्या क्या है क्या नहीं, क्या चारों जंगल ही है, पर हमने सोचा चलो एक बार राउंड मार के आते हैं। रात में जब होटल आए तो हमको लगा कि कहाँ बिराने में होटल बुक कर लिया, क्योंकि चारों ओर अंधेरा था, शायद उसमें लाइट भी नहीं थी और जंगल के बीचों बीच में होटल था, बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब हम सुबह उठे और चारों ओर से बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, चारों ओर ग्रीनरी दिख रही है, फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है, तो मन को काफ़ी सुकून सा लगा कि शिमला जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में भी इतना प्यारा सा लोकेशन है, इतना अच्छा सा होटल मिल सकता है। और यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी हम लोग को गाड़ी पार्क करने में भी। ये आप देख सकते हो सामने जो रिजॉर्ट है, इधर ही नीचे से हम लोग का तीन रूम बुक हो रखा था, हम तीन कपल गए थे घूमने के लिए, और काफ़ी अच्छा सा था मतलब होटल। ये नीचे प्ले एरिया भी था बच्चों के लिए, और वैसे तो ये हेरिटेज बिल्डिंग थी, बाहर से काफ़ी ओल्ड से दिख रही थी, लेकिन अंदर से रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था और काफ़ी वेल मेंटेन था। बाथरूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पेसियस था, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा होटल में। और ये आप देखना अभी ये जो बिल्डिंग आएगी एक इधर वाली, तो लगता है जैसे कोई पुराना चर्च की बिल्डिंग हो, मतलब काफ़ी अच्छा सा था, यूनिक सा था, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर रुकते हुए। कल गुड फ्राइडे की छुट्टी होने की वजह से हम एडवांस स्टडी घूम नहीं पाए थे, तो हमने सोचा यहाँ से जल्दी से चेकआउट करके एडवांस स्टडी घूमते हुए चलते हैं। तो हम अब जा रहे हैं एडवांस स्टडी, और ये देखिए ये तो मस्ट विजिट प्लेस है शिमला का, अगर आप जाएँ शिमला तो इसको कभी भी स्किप ना करें। खैर हम सेकेंड टाइम यहाँ पर घूमने गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को घूमने में ये जगह, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी सारी फ़ोटो खींच सकते हो और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो। यहाँ का जो गार्डन था देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा हुआ है, कितने सारे फ्लावर्स लगा के रखे हुए हैं कि कोई अगर इंसान जाए तो वहाँ पे एक दो घंटे ऐसे बैठा रहे, उसको तो वैसे ही सुकून आता रहेगा कि वाह क्या बढ़िया जगह पे आ गए हैं। अब देखिएगा ये फ्लावर्स कितने रंग बिरंगे फ्लावर्स लगा के रखे हुए हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा शिमला में। अब हम कसौली जा रहे हैं। इसके बाद ये हमारा शिमला का सेकेंड विजिट था, तो हमने बहुत सारी जगह स्किप कर दी जो हमने लास्ट टाइम घूमी थी, जैसे कालीबाड़ी मंदिर, बैक्स म्यूजियम, और कुफरी में जो ऊपर घोड़े से जाते हैं वो लास्ट टाइम मुझे उतना वर्स्ट नहीं लगा था, तो इस बार हम वहाँ पर नहीं गए। तो आप अगर जाएँ तो वहाँ सब भी जा सकते हैं। और अब देखिए हम वापस जा रहे हैं शिमला से ये खूबसूरत सी वादियों को छोड़ते हुए। जाने का मन तो नहीं हो रहा है, बच्चा तो बोल रहा था पापा भी यहीं पर रुको, घर क्यों जाना है। लेकिन बाय बाय दोस्तों।